हमारे पास एनाटॉमी ऑफ एएनएस के बाद यहाँ पे सिंपैथेटिक न्यूरॉन के बारे में बात है कि सिंपैथेटिक न्यूरॉन स्ट्रक्चर भी हमारे पास कैसे होते हैं, अब हमने इनको देखना है। तो उसमें बताता है कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन होते हैं उसमें हमारे पास जो पहला न्यूरॉन होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो पहला न्यूरॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अगर आप स्ट्रक्चर में भी देखें तो ये बता रहा है कि जो पहला न्यूरॉन होता है सिंपैथेटिक का, वो ओरिजिनेट होता है सीएनएस से, निकलता सीएनएस से है, यानी कि सीएनएस से शुरू होता है, लेकिन इमर्ज अब सीएनएस से निकलती हुई एक चीज जो आगे बढ़ती है तो ये बाद में निकलेगा दो स्पाइनल कॉर्ड रीजन से। रीजन कौन कौन से बताता है? थोरेक्स और लंबर। हम लोगों को पता है कि जो वर्टिकल कॉलम का जो हमारे पास दूसरा हिस्सा बनता है उसको थोरेक्स बोलते हैं, जिसमें हमारे पास हड्डियाँ आती हैं T1 to T12 तक, और लंबर रीजन, लंबर रीजन हमारा थोरेक्स के बिल्कुल नीचे होता है जो कि L1 to L5 तक होता है। यहाँ से हमारे पास पहला न्यूरॉन निकलता है और उसके बाद वो दिखाता है कि जो सेकेंड होता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और यहाँ पे आप लोग तस्वीर में बिल्कुल क्लियरली इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंस इन दोनों का कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो सिंपैथेटिक का हमेशा शॉर्ट होगा, छोटा होगा। जो हमारे पास पहला न्यूरॉन सिंपैथेटिक का है वो हमेशा छोटा होगा, जबकि हमारे पास जो दूसरा न्यूरॉन है जिसको हमने नाम दिया पोस्ट गैंग्लियोनिक का, ये हमारे पास हमेशा बड़ा न्यूरॉन होगा, लॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू प्री। यहाँ पे हम लोग प्री गैंग्लियोनिक की जगह हम लोग ये भी बता सकते हैं प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम है। और दूसरे में पोस्ट गैंग्लियोनिक की बजाय हम ये कह सकते हैं पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन। और यहाँ पे आप लोग देखो कि जो हमारा पहला न्यूरॉन है वो छोटा और जो दूसरा न्यूरॉन है वो बड़ा, और दूसरे न्यूरॉन की जो एक्सोन हो गए इट एक्सटेंड फ्रॉम गैंग्लिया एंड टर्मिनेट्स ऑन, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हमेशा न्यूरॉन हमारा ग्लैंड्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर, बॉडी में जितने भी ऐसे फैक्टर आर्गन्स हैं वहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो रहा है।